खंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी ने ऊखीमठ विकास खंड के तुंगनाथ घाटी के आपदा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि विगत कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण तुंगनाथ घाटी के कई गांवों में भू धसाव और भू कटाव के कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना है। ग्रामीणों के आवासीय भवनों से लेकर खेती बुरी तरह से नष्ट हो गई है, साथ ही सड़कों का भू धसाव के चलते बुरा हाल है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को यातायात की बड़ी समस्या से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की जल्द प्रभावित क्षेत्रों में आम जनमानस को उनके भवनों में कृषि भूमि का मुआवजा वितरित कर जनता को राहत पहुंचाई जाए। सूरज नेगी ने कहा कि हमने पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया है, प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, आम रास्तों जैसी सेवाएं भी बाधित हो गई हैं, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि मूलभूत सुविधाओं को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। तुंगनाथ घाटी में हमने वरिष्ठ कांग्रेस के हमारे जो साथी हैं ऊखीमठ के, उनके साथ एक दौरा किया, जहाँ पे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में स्थिति बड़ी डरावनी बनी हुई है। वहाँ पे लोगों को रात को भी नींदें जो हैं, उनकी नींद और चैन हराम हो चुकी हैं, क्योंकि बारिश ने उनको इतना तंग कर दिया है कि वहाँ पे आए दिन जो है मूसलाधार बारिश के कारण जो है दैवीय आपदा की घटनाएं होती जा रही है, भू कटाव और भू दशाव की घटनाएं होती जा रही है, जिससे वहाँ पे लेकर लोगों के व्यावसायिक से लेकर आवासीय भवनों को भारी खतरा पैदा हो गया है और लोग वहाँ पे परेशान हैं। हमने सरकार और प्रशासन से अतिशीघ्र ये अपेक्षा की है कि वे लोगों को जो है उनका उचित मुआवजा बांटें, कि गरीब किसानों को जो वहाँ के गाँव के गरीब किसान हैं उनकी जो खेती बही है, कृषकों की जो फसल बही है, उस फसल का जो है तत्काल जो है उनको मुआवजा दिया जाए, ताकि लोग अपना जो है जीविका को शुरू कर सके। वहाँ पे जो है सड़कों के हाल बहुत बुरे हैं, मोटर मार्ग जो है दयनीय स्थितियों में गुजर रहे हैं, तो कुछ भी जो है अभी घाटी में सामान्य नहीं है। इसलिए जो है प्रशासन को चाहिए होगा बहुत तेज़ी से मुस्तैदी से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ध्यान दें।